हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बनाएंगे वेस्ट बंगाल के बहुत ही फेमस रेसिपी, ये है झालमुड़ी। बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है मुड़ी और इस पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज और डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ खीरा। खीरा डालने के बाद हम इस पे डाल रही हूँ आलू उबली हुई, मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। और फिर हम इस पे डालते हैं उबले हुए मटर जो मैंने रात को भिगो लिया था और सुबह को अभी उबाल लिया। और फिर इस पे हम डालते हैं टमाटर बारीक कटा हुआ, मैंने आधा टमाटर लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर डालती हूँ उबली हुई चना। चना डालने के बाद हम इस पे डालते हैं मिक्सचर यानी कि चनाचूर। और फिर हम इस पे डालते हैं हरा मिर्च, मैंने दो हरा मिर्च डाला है इस पे। और फिर हम इस पे डालते हैं सेव। और फिर हम इस पे डालेंगे मसाला और चाट मसाला। और फिर इस पे डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। और फिर हम इस पे डाल देते हैं सरसों का तेल, चाहे तो आप कोई भी तेल से बना सकते हैं, अचार का तेल बेस्ट होता है। और फिर हम इस पे डालते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हम सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही टेस्टी होता है यह झालमुड़ी, वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा झालमुड़ी रेडी है। अभी हम ऊपर से और थोड़ा सा सेव डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार बना के खाइए घर पे। बहुत आसान है ये बनाने में, शाम को चाय के साथ बहुत ही टेस्टी होता है ये झालमुड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।